अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीडियो में हमने स्टारलाइट कैरेक्टर बनाया था, नाइट, जो स्टारलाइट लीग का पहला कैरेक्टर है। तो वो कुछ इस तरह का दिखता था, बिल्कुल इस तरह का। तो हमने लास्ट वीडियो में इसको, मैंने कलर कर लिया था, कुछ ब्लू आर्मर कलर दिया और उसके एंड्स को फ्रेम यानी जो हाइलाइटेड एरियाज होते हैं आर्मर के, उनको हमने डार्क गोल्डन कलर दिया। और जो इसका केप है उसको मैंने ब्राइट रेड कलर दिया। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में इस केप को क्लॉथ एनिमेशन दी थी और कोलिजन बॉडी, जिसकी वजह से ये इसकी क्लॉथ एनिमेशन आ गया। हमने विंड फ्लो का वो रखा था ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से ये क्लॉथ की तरह, मतलब जिस तरह विंड ब्लो करते हैं फिर हमारे कर्टन होते हैं या कोई कपड़ा हिलता है, बिल्कुल सेम वैसा ही इफेक्ट आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का गनर बनाने वाले हैं। तो मैं सोचा था कि इसको हिटमैन की लुक दे के, मतलब इस तरह की लुक दे के इसको बड़ी सी गन हाथ में पकड़ा देते हैं। और हमने ऐसा करना है कि इसका और इसका एक तरह से ना कॉम्बिनेशन, एक तरह से हम कहना चाहते हैं कि इसको बना के, इसकी शेप दे के या फिर कुछ इस तरह का इफेक्ट दे के यहाँ पे इसको कलर देना। तो जो लास्ट वीडियो हमने करेक्ट बनाया था उसकी बॉडी मैंने कॉपी कर ली थी और एक साइड पे रख दी थी। तो हम उसको लेके आते हैं यहाँ पे। ये उतरा, इसका कलर है ब्लैक। इसको सिलेक्शन टू कर्सर कर देते हैं। पहले हम सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर। अच्छा, अब ये कर्सर पे आ गया। इसको हमने अब जी एंड जेड यहाँ पे रखना है। और ये थी हमारी बॉडी। अब हमने ऐसे कुछ शेप देनी है कि जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही पतला है। तो हमने कोई इसको बॉडी बिल्डर शेप देनी है एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा करते हुए जाना कि ये कुछ पतला भी लगे और सेम ऐसी शेप ना रहे। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि इसको ना स्कर्व करना पड़ेगा कुछ कुछ जगह से। स्कर्व मोड ऑन, मैं लेआउट में स्कर्विंग करने लगा हूँ। तो इसको हम टी दबा के ये सारे टूल्स यहाँ पे ले आते हैं। ओके, तो हम इलास्टिक डिफॉर्म ब्रश पकड़ते हैं और इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और अपने कैरेक्टर के लेग्स को थोड़ा लंबा करते हैं और इसके ब्रश साइज थोड़ा मजीद, बाद में ज़्यादा ही लंबे हैं। तो हम इसको एक पतली सी शेप देंगे, ज़्यादा पतली नहीं, बस एक शेप देनी है। और लास्ट कैरेक्टर को हमने, जो नाइट है हमारा, उसको हमने एक फिंगर्स नहीं दी थी, ये हमारा एक छोटा सा मसला था। और इस कैरेक्टर के बनने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से हमारी ट्रिकिंग बहुत ही इजीली और एफिशिएंटली हमारी हेल्प करेंगे। वो हमारी ई रिग हमारी बहुत इजी होगी, स्मार्ट प्रो रिग, ये उसका नाम है। मैं वीडियो के लास्ट में या इस सीरीज नहीं, बस इस कैरेक्टर के लास्ट में जब रिग करने की बारी आएगी तो हम मैं बताऊंगा आपको वो कैसे करनी है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या ब्लेंडर में बता दूंगा कि हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं अपने स्मार्ट प्रोडिक को। तो इसके पाँव हम कुछ रखते हैं इतने और शेप ठीक है, इसको ये जो आगे हुआ है पूरा करेक्ट है। इसको करते हैं बैक पे, इसको यहाँ से थोड़ा कम शेप दे दी।
ओके ये हमारी एक साइड से शेप बन गई और अब हम इसके मसल्स को सेट करते हैं। ये इसको सेट किया, इसको यहाँ। अब हमने शिफ्ट दबा के इसके मसल को थोड़ा फ्लैट करना है, बाकी पूरी बॉडी ठीक है। और इसकी फिंगर्स बनानी है, ये यहाँ से बन गया। इसका एक्स एक्सिस पे मिरर है तो बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे कि इसका मैश अभी बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम ना फिंगर्स बनाने के लिए एक काम करते हैं, मिरर कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है दूसरी साइड पे हर चीज़ मिरर नहीं करती। यानी कि अगर हम एक तरफ एक्सट्रूड या फिलिंग का कोई काम करते हैं तो वो दूसरी साइड पे पूरी तरह मिरर नहीं होता। इसको हम कर देते हैं मिरर मॉडिफायर और मिरर रहा एक्स एक्सिस। और अब जेड, अच्छा अब इसके फेसेस को सिलेक्ट करते हैं। 3 तो एक लूप कट दे देते हैं इसके दरमियान में, या फिर जहाँ पे ये डबल डबल दरमियान में आ गई एक्स एक्स एंड डिलीट हो गया मिरर। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं कुछ और ही समझा था। अच्छा अब हमने इसका जो एक साइड का मैश है उसको सेलेक्ट करना और उनको एक्सप्लोर करते हुए जाना। पहले इस एज को थोड़ा जी एंड एक्स के तरफ मूव करते हैं। अच्छा इसको डबल जी प्रेस किया यहाँ पे, इसको डबल जी प्रेस करते हैं यहाँ पे जी बाय कुछ इस तरह की शेप बने। तो मतलब फिंगर्स के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन एक शेप देते हैं इसका जी थोड़ा इधर, इसका सर्कल थोड़ा डबल जी करते हैं। ओके इसको दोनों को सेट करते हैं जी एंड एक्स। और इसको बैक की तरफ करके एक बार मिरर करते हैं कंट्रोल जेड। जब वो डबल हो रहा था तो हम इसमें मिरर ऑन कर देते हैं। उसके बीच एक और आ रहा है तो इसको फिर हाइड कर देते हैं यहाँ से व्यू पॉइंट के अंदर। जी एंड एक्स थोड़ा सा अंदर करते हैं, इधर से ठीक है, इधर से भी इसको थोड़ा। ओके अब हमारे पास जो फेसेस हैं इनको 1 2 3 4 4 में से 5 को सेलेक्ट करते हैं या फिर एक लूप कट यहाँ पे ऐड करते हैं। नहीं अच्छा इनको एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन पहले इंसर्ट करके डबल आई थोड़ा सा इंसर्ट किया
बिल्कुल हल्का सा जी एम एक्स प्रोपोर्शनलिटी ऑफ करके जी एम एक्स ये हो गई। यहाँ पे कुछ हाथ की शेप तो नहीं है लेकिन बन सकती है। कंट्रोल शिफ्ट ई ओके ई जेड ओके। तो मैंने इसको अभी एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स कर दिए और एक शेप दे देते हैं हाथ की जी वाई या रोटेट करते हैं इधर या फिर जी इधर करते हैं और सब वर्टिसेस को पकड़ पकड़ के एक शेप में रखते हैं जो बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। इसका रखते हैं इधर थोड़ा फिर इसके यहाँ इसको इधर जी मूव इधर और स्केल हो गया यहाँ जी इधर स्केल यहाँ पर जी इधर जी यहाँ स्केल यहाँ ओके। अब दोनों हर सब हर फेसेस में जो हमने एक्सप्लोर किए इनको एक एक को एस एक्स और जीरो कर देते हैं कुछ इस तरह और फिर हम अपनी मर्जी से थोड़ा सा रोटेट करके इसमें दो दो लूप कट सब में ऐड करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने इसमें ऐड कर दिए हैं दो दो लूप कट्स और इनको थोड़ा स्केल बता दिया है ओके। ये बना हमारा छोटा सा सिंपल सा हाथ। अगर यहाँ साइड व्यू से देखो तो इसकी शेप थोड़ी ठीक करने वाली है ओके। हम इसको स्कर्प में भी ठीक कर सकते हैं इनको थोड़ा नीचे की तरफ बेंड करते हैं इसको यहाँ इसको अंदर और इसको थोड़ा सा मतलब एफ साइज बना देते हैं ये बनाए हमारे साइज इसको एक सब डिवीजन मॉडिफाई दे देते ओके। ये क्या हो रहा है अच्छा इसको फिलहाल करते हैं डिलीट और अब करते हैं हाफ इसका फिर इसको इसमें मेरा मॉडिफायर ऐड कर दें बिल्कुल ठीक है ओके। एक्स एंड डिलीट वर्टिसेस करते हैं जहाँ से ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ से कर लेंगे फिल यानी कि यहाँ से ज़रूरत है और यहाँ से ज़रूरत है ये हमने कर लिया फिर इसको इसको अब हम मिरर मॉडिफाई देते हैं एडिट मोड और सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करना वैसे ज़रूरी नहीं है बस मिरर हो जाना चाहिए यही ज़रूरी है। एक सब डिवीजन देख देखते हैं तो ये काफ़ी स्मूथ हो गया ठीक है। अब इसको एक शेप देते हैं कि इसकी फिंगर्स कुछ ठीक लगे
करके वहाँ से इसको ठीक करते हैं। ये तो आप इसमें ड्रॉ ब्रश यूज करके ब्रश से इतना स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा करते हैं, स्ट्रेंथ थोड़ी करके अच्छा वो अप्लाई नहीं ना अभी है इसलिए शायद मस्सा हो रहा। तो इसको हम दोनों को करते हैं अप्लाई। अब इसका मैश काफी ज्यादा डेंस हो गया, इसको यहाँ से थोड़ी थिकनेस देनी है, इसको इधर से इसको एफ साइज में कम करके मजीद यहाँ से इसको इधर से से और लेयर से इसको और शेड स्मूथ होते जाते हैं। ओके तो मैंने इसकी जितनी भी एडजस्टमेंट करनी थी वो कर ली, और शायद मज़ीद अब एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि फिंगर हमारी कुछ इस तरह की कर ली। नीचे और इसका ऊपर और हम इस फिंगर को भी ऐसे कर लेते हैं। और अब हमारा हाथ थोड़ा बहुत ठीक बन गया, इधर से ठीक है, इधर से ठीक है, टॉप से ओके थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। ओके ये हमारा हाथ बन गया। हाँ लो क्वालिटी बेशक ठीक है लेकिन जब लो क्वालिटी सही ओके चलो ये हाथ बन गया, हमारी बॉडी भी हो गई रेडी। ओके तो अब हम इसको लेग्स की साइड से थोड़ा करते हैं पतला, इसकी चेस्ट थोड़ी यहाँ से बढ़ा देते हैं, टॉप से इसको ठीक करते हैं। तो इसी चेस्ट साइज कम की यहाँ पे और बिल्कुल ठीक। अब हम पहले ना इसकी टाई बना लेते हैं और पहले अपने काम को सेव करते हैं और फिर इसकी बनाते हैं चाय और जो होगी आपके इस कंट्रोल टैब से चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ओके अब जो बनेगा सूट वो होगा कुछ इस तरह से बना होगा, इधर हाथ में बाजू में जाके यहाँ भी मतलब एक लंबा सा कोट होगा कुछ समथिंग लाइक दिस, फिर इधर से बाजुओं से तो इसी तरह का यहाँ से कोट होगा। ओके कुछ इस तरह का यहाँ पे पैंट वगैरह सब कुछ बुरी ड्राइंग में वैसे मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो भी यहाँ पर हम छोटी सी बनाते हैं टाई। अच्छा मतलब कुछ हमारा कॉन्सेप्ट इस तरह का। तो उल्टा ही बनाने के लिए हमें एक ऐड करना है क्यू जी एंड जेड, इसको यहाँ पे स्केल डाउन करते हैं इधर, जी एंड जेड करते हैं इधर, मजीद स्केल डाउन
थोड़ा सा इसको जी एंड जेड ऊपर करते हैं यहाँ, और जी एंड वाई आगे मूव करते हैं इतना। अब हमें क्या करना है, इसको करना है एस एंड वाई एक्सिस पर स्केल, और एडिट मोड में जाकर इसके टॉप और बॉटम दोनों फेसेस को कर देना है डिलीट। एस डिलीट फेसेस, ओके मैम। अब हमारे पास ये है, अब हमने दोबारा एडिट मोड में जाना, इसको थोड़ा एस एंड जेड इधर करते हैं, एस एंड एक्स कुछ करते हैं इधर, बिल्कुल ठीक। और हमने अब क्या करना है, इसको एक टाई की शेप देते हैं, एजेस सेलेक्ट करते हैं, तो ये दो सेलेक्ट चार साइड पर, इनको कंट्रोल बी से ट्रैवल किया कुछ इतना, तो ये शेप बनी है। ओके बिल्कुल ठीक। इसको हम यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस दे देते हैं, हाँ ये ठीक है। ऊपर से पूरे लोग को ई एंड स्केल किया बिल्कुल यहाँ पे, और अब इसको ई एंड स्केल मर्ज एट सेंटर, ये यहाँ पे हो गया। मतलब एक लूप पर से इसको थोड़ा करते हैं सेट इधर से, हाँ अब टाई शेप कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि जो नीचे वाले वर्टिसेस हैं उनको डबल जी मूव करते हैं थोड़ा ऊपर, एस एंड एक्स एक्सिस पर स्केल करते हैं, ई एंड स्केल किया थोड़ा इधर, कंट्रोल प्लस से थोड़ा जी जेड मूव करते हैं इधर। ओके तो हम इसको लेवल वन से टू कर देते हैं। ओके अब जो ये शेप बनी है इसको हमने क्या करना है, एक को कंट्रोल यहाँ से एस वाई ज़ीरो करना है, फिर राइट क्लिक पीछे वाले को एस वाई ज़ीरो करना है, एस वाई स्केल करते हैं इसको कुछ इस तरह, और फिर कंट्रोल दबा के इसको करते हैं और स्केल करते हैं एक्स एंड वाई पे करते हैं स्केल, और ई एंड जेड पे स्केल की जितनी टाई लंबी हो सकती है करें, और बीच में एक लूप कट ऐड करते हैं जो यहाँ टाई का एक शेप रहेगा। ओके कुछ इस तरह किया, तो हम एक्सरे मोड में आके एस एंड एक्स पे इसको स्केल करते हैं एक्सरे मोड में सबको, एक्स एंड वाई पे राइट और ऑर्थोग्राफिक में एक्स एंड वाई मज़ीद पतला किया। ओके अब फोकस करते हैं इसका ऑफ, जो ऊपर हैं इनको भी थोड़ा पतला कर लेते हैं एक्स एंड वाई, और जो नीचे वाला लूप है और उससे ऊपर वाला जिसे हमें टाइट किया था इसको करके कंट्रोल प्लस करते हैं, कंट्रोल आर से चार पांच लूपर्स ऐड कर देते हैं, दो तीन चार पांच, एक दो और लूपर्स बिल्कुल यहाँ पे। अब हमने सब को पकड़ के जी और यहाँ पे करना है मूव, और ये हो गया मूव यहाँ, और अब इस टाई की शेप को भी एस वाई करते हैं रोटेट के इधर, इसको जी वाई मूव करते हैं इधर,
थोड़ा सा रोटेट यहाँ पे। ओके अब हम इसको भी शेप दे देते हैं, इसको कंट्रोल प्लस कंट्रोल सेट। अब फिलहाल इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार और कंट्रोल प्लस और कंट्रोल इसको फिर से डिस्ट्रैक्ट करते हैं जी। इसको मूव किया इधर, इसको एक मतलब थोड़ा सा बॉडी से गैप देके आगे मूव करना है। ओके तो मैंने कुछ इस तरह की शेप दी है, बस इसको थोड़ा ठीक करना है। इसको आगे, इसको भी थोड़ा सा अच्छी आगे, और इसको भी यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे। अब फ्रंट से हमने इसको टाई की शेप देनी, तो इसको लेफ्ट स्ट्रेक करके जेड और एस एंड एक्स पे स्केल करते हैं। देखो यहाँ एस एक्स और ज़ीरो, वो कंट्रोल आर से एक लूप कर देना है इसको ये शेप देने के लिए। जी जेड थोड़ा सा इधर करके शेप मेंटेन करनी है। ओके पतली सी टाई हो गई डेडी, इसको शेड करते हैं स्मूथ। और ग्लो का तो वैसे स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम कहीं से इसको थोड़ा स्केल भी कर लेते हैं ताकि एक रैंडम सी शेप बन जाए। इसको यहाँ पे इसको थोड़ा ओके, और इसको थोड़ा यहाँ साफ, इसको भी इधर। ओके ये हमारी बेसिक सी टाई बन गई। ओके अब इसके ऊपर हम शर्ट और सूट बनाएंगे। ओके तो अब हम मटेरियल प्रीव्यू में आ गए, और इसको हम जो मटेरियल दिया था लास्ट वीडियो में इसको रिमूव कर देते हैं, और एक वाइट और ग्रे मतलब मिक्स है एक शर्ट का कलर दिया, और स्पेक्युलर बिल्कुल कम बांध दी, ठीक है रफनेस थोड़ी सी बढ़ा दी जरिए ठीक। और अब टाई को देना रेड कलर रफ कपड़े का, यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया, बस रफनेस रखनी है। और इसको थोड़ा डार्क कलर देते हैं, कुछ ये वाला कलर, ये हमारी बन गई टाई, और हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको अपने काम कर देते हैं कंट्रोल एस, जो अब इसका नेक्स्ट काम हमने करना है वो होगा इसका ऊपर वाला सूट। ऊपर वाला सूट हम इसी की बॉडी को बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। जैसे देखा जाए तो इसकी बॉडी भी काफ़ी ठीक है, तो हम सेलेक्ट करते हैं कुछ फेसेस। अच्छा ये एक वर्टिस हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हम कंट्रोल प्लस करते हैं, या फिर हम उसे सेलेक्ट करते हैं और बाद में जो एडजस्टमेंट करनी आई वो हम कर लेंगे। इतना सेलेक्ट हो गया, इतना भी टॉप व्यू से कंट्रोल इस लुक को पूरा सेट कर दें, यहाँ तक होगा कंट्रोल
इस रूप तक या सिर्फ इस रूप तक, और ये लोग दोनों सेलेक्ट करते हो जाते हैं। ओके, तो मैंने इसको कर लिया है सेलेक्ट। अब हम इसको एक लूप को बस अल्ट शिफ्ट से डी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और ये बन जाएगा हमारे कोड का। अब अभी जब सेटिंग करनी है हम इसको दे देंगे, तो अब इसको शिफ्ट डी यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको इंडिविजुअल ओरिजिन करते हैं स्केल, या फिर मीडियम। अच्छा, ये हमारा बन गया कोड। इसको हम पी सेपरेट बस सेलेक्शन नाम दे देते हैं। ओके, अब हम इसको खुद से शेप देंगे कोड। अच्छा, तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम बाकी जो काम है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आपके सामने ही आपके साथ साथ ही इसको कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और हो सका तो कंप्लीट करेंगे, वरना आगे तक एक दो वीडियो सोचेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी लास्ट वीडियो को स्टाइलाइज लीक की कैरेक्टर की जरूर देखिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।